आज एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपको स्वागत है। आज मैं आपको लक्ष्मी कमल का पौधा दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। ये देखो लक्ष्मी कमल का पौधा है, आप अपने घर में इसे लगाएं और लक्ष्मी जी की कृपा पाएं। देखो दोस्तों, असली लक्ष्मी कमल ऐसा होता जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं ब्रह्म कमल का पौधा जो बहुत ही शुभ होता है, और आप इसे भी अपने घर में लगाएं और सुख समृद्धि कृपा पाएं। देखो दोस्तों, ये एक ऐसे पौधा होते हैं दोनों, लक्ष्मी कमल ब्रह्म कमल, जो कि पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। क्रासुला ऐसे भी अच्छा पौधा होता है, हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छा माना जाता है लक्ष्मी कमल ब्रह्म कमल। और ये देखो दूसरी किस्म लक्ष्मी कमल, इसमें लक्ष्मी जी का वास होता, असली पौधा है। इसकी ये पहचान से गुलाबी जो ऊपर की पत्ती होती है वो गुलाबी होती है। देखो ये असली लक्ष्मी कमल का पौधा है, इसके दर्शन करने मात्र से ही आप पर लक्ष्मी माता कृपा करेंगी। दोस्तों ये असली लक्ष्मी कमल का पौधा है। दोस्तों जो भाई नए हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। असली लक्ष्मी कमल का पौधा, इसकी ये पहचान है। देखो दोस्तों, ये पौधा इसकी जड़ में से निकल रहा है। इसी से पौधे बनते हैं दोस्तों। जो भाई नए हैं तो लक्ष्मी जी का पौधा लें। इसकी असली की पहचान मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसकी जो पत्ती आप देख रहे हो गुलाबी होती है। दोस्तों लक्ष्मी कमल का पौधा असली पौधा होता है, इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं। देखो दोस्तों, असली लक्ष्मी कमल का पौधा। अब आप देख रहे हैं ब्रह्म कमल का पौधा। देखो ये ब्रह्म कमल है, इसमें बहुत ही प्यारा फूल आता है। ये देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा है। वीडियो को एक लाइक करें। आप देख सकते हैं दूसरी किस्म का लक्ष्मी कमल का पौधा है, जो कि ये सिंगल होता है। जो मैंने आपको दिखाया है वो असली होता है, ये सेकंड होता है। ये नर्सरी में 10-20 रुपये कम मिलता है और वो 10-20 रुपये ज़्यादा मिलता है। दोस्तों देखो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि माँ लक्ष्मी आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, माता लक्ष्मी आप अपनी कृपा करती रहेंगी। लक्ष्मी कमल का पौधा आप देख रहे हैं, ये कैप्टस के पौधे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे होते हैं। इसे भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। देखो ये दोस्तों, बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इस पर। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, कितने सुंदर लग रहे हैं आप। ऐसा देखो कि हम आप लक्ष्मी जी की कृपा पा रहे हैं। दोस्तों देखो, लक्ष्मी जी आप पे अपनी कृपा करती रहें। ये दोस्तों देखो, कितना सुंदर नज़ारा है ब्रह्म कमल का। ये दोस्तों देखो, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों देखो, जो भाई नए हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए दोबारा बताने जा रहा हूँ कि लक्ष्मी कमल ब्रह्म कमल के पौधे हैं। ये वाला असली लक्ष्मी कमल का पौधा है, इसकी यही पहचान है, इसकी गुलाबी पत्ती होती है। तो दोस्तों आप इसको इतना शेयर करें कि माँ लक्ष्मी आप पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको नए नए पौधों के बारे में दिखाता रहूँगा, और जो घर में शुभ होते हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। आपने देखा हो बैम्बू प्लांट का पौधा, वो जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, वो उससे भी ये अच्छा पौधा बैम्बू प्लांट में ही आता है। इसे भी आप अपने घर में लगाएं। ये देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा पौधा है, बहुत ही सुंदर पौधा है। ये दोस्तों देखो, अब मैं आपके लिए गुलाब के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसे बटन गुलाब कहते हैं, जो कि आप देख रहे हैं इस पर गुच्छे गुच्छे फूल आते हैं, हमेशा फूल खिले रहते हैं। और ये देखो, एक फूल कम से कम 2 महीने खिलता है इस गुलाब का, यही पहचान है। ये मिक्सर गुलाब में भी आता है और बटन गुलाब में भी आता है। दोस्तों देखो, कितना प्यारा नज़ारा है गुलाब का। ये दोस्तों देखो, ये हमारी दूसरी किस्म का गुलाब है, ये भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों ये देखो दोस्तों, बहुत ही सुंदर पौधा है, आप इसे भी इंडोर प्लांट में अपने घर में लगा सकते हैं। जो मैं आपको कह रहा था बैम्बू प्लांट पौधा, ये देखो जमीन में या गमले में लगने वाला पौधा
बेम्बू प्लांट का होता है। अब आप देख रहे हैं एक एक्लोनीमा का पौधा, बहुत ही सुंदर पौधा है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखाने जा रहा हूँ जो कि घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। आप देख रहे हैं शमी का पौधा, ये एक शमी का पौधा होता है जो हिंदू धर्म में बहुत ही माना जाता है। हमेशा ये ध्यान रहे शुक्ल पक्ष में ही लेना चाहिए और इसके रखने की जगह है जो अब आप घर से निकले तो दाहिने हाथ पे होना चाहिए। अगर आपके दाहिने हाथ पे बाहर जगह नहीं है तो इसे आप ऊपर भी रख सकते हैं। याद रखो जब निकलो आप अपने घर से ये दाहिने तरफ ही रहना चाहिए, ऊपर से कहीं भी रख सकते हैं। या आपके घर पर दाहिने हाथ पर रखने की जगह नहीं है तो इसमें आप अपने घर में छत पर रख सकते हैं। ये ध्यान रहे कि इस पर पहली सूर्य किरण पड़नी चाहिए। बहुत ही सुंदर पौधा होता है दोस्तों, अपने घर में इसमें जो मांगते हैं वो ये कर दिखाता है पौधे। शमी वृक्ष शंकर भगवान का पौधा, इस पर पत्ती चढ़ती हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए बाय। नमस्कार भाइयों।